गाइस हमारा कट गया। हम सोच कर आए थे आपको रेप्टाइल्स दिखाएंगे, यहाँ सब नकली। मतलब यार हम सुबह 100 रुपए में आए ऑटो करके, ये 10 रुपए में वापस जा रहे हैं। तू में क्या मिलता, जानवर नहीं थे, यहाँ आई ये घुमा फिरा के मेरे को सीपी। ये यही देखने के लिए मैं यहाँ पर आई थी, शेर बाकी सब कुछ दिखाया गाँव में, ये चीज लेगा कभी धोखा दे दिया, पीठ पर लगे बैठ गया, पीठ पर बैठा हुआ यार ये। ए शेर क्या हो गया, तू नाराज हो गया हमसे? इस बाघ देखने के लिए आई थी, शेर ने पीठ पलटा दी और बाघ कब से गई भैया, बाघ किधर है, बाघ किधर है? फिर मैंने गार्ड भैया से पूछा, मैंने कहा भैया पे बाघ कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, वो वहाँ कोने में पता नहीं कहाँ सो रहा है, दिखाई भी नहीं दे रहा। पर इतनी जोर नजरों पर डालना पड़ रहा है, अब जाके हल्का दिखाई दिया, आप लोगों को दिखाई भी देगा, उस कोने में एक कोने में दुबक के सो रहा है। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कि यहाँ पर कोई जानवर मतलब दिख ही नहीं रहा है? कह रहे मैडम आप गलत टाइम पर आए हो, आपको सुबह सुबह आना चाहिए, इस समय सब सो रहे हैं, जिस जानवर के पास अंदर है वो जानवर सो रहा है अपने पिंजरे के अंदर, हम क्या ही देखे बताओ, बस खाली हम पिंजरा देख देख के निकल रहे हैं बाहर को। हेमंत को तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं हो गया, तू जाकर देख, मैं तो खड़ा हो जाऊँगा, जो है उसे गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, अभी कुछ नहीं दिखाई दिया आपको। मैं बताता हूँ, ये देखो यहाँ बंदे आइसक्रीम लेके जा रहे थे अपनी, और ये हरामी बंदर उसकी आइसक्रीम छीन के लेके चला गया। ये भी हेमंत का जुड़वा भाई, ऐसे हेमंत हमारी आइसक्रीम पर नजर रखता है ना, वो तो पूरा बड़ा वाला लेके गया है, वो छीन के चले गए यार, छीन के हाथ से भाई फोन ना छीन ले, पता लगे फोन छीन के भाग गए, नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। क्या देखा मैंने, देखा असली है, नकली है, देखो अभी तक हिल नहीं रहा था, और देखो भीड़ देखा लोगों की, मगरमच्छ देखने के लिए भीड़, मुझे मत दिखाओ, देखो इसको देख के सर के ऊपर किसी ने केला रख दिया होगा एक बड़ा सा उठा के, रंग नहीं रहा बटे सच में, केला उसके सर के ऊपर रखा होगा, है क्या ये, है क्या इसका नाम, नहीं पता, गरीब चीज है, इसका नाम होगा यहाँ पे लिखा हुआ, देखता हूँ। गाइस ये देखो टाइगर, ये देखो काफी मेहनत के बाद ही दिखाया हमको यहाँ पे, जानवर ही हाँ। बाकी सब सो रहे हैं, सो तो वो भी रहे वैसे, वो मतलब ऐसे कम से कम कम से कम हाँ मुँह पलटा के नहीं बैठा, वो इस बेचारे की गर्मी से हालत खराब हो गई, देखो कैसे हाँफ रहा है, और इसके साथ साथ इस बेचारे की भी गर्मी से हालत खराब हो रही है, इतना परेशान है, कह रहा है गर्मी में नहीं आना चाहिए, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा यार इंजॉय कर लो थोड़ा सा, ये देखो कितना प्यारा है, अरे सबसे क्यूट यही था अभी तक का है ना, फिर सो गया वो, पिंटू चिंटू सुन, इनका भी तो कुछ नाम होता होगा ना, मिंटू पिंटू चिंटू, किसी के नाम पर तो उठेगा कम से कम, चिंटू गाय से दिखाई दे रहा होगा ना आपको। मैं सोच रही हूँ आजकल डीजल पेट्रोल के दाम इतने महंगे हो गए हैं, हेमंत का ऑफिस भी दूर होने वाला है, तो क्यों ना हेमंत के लिए नई गाड़ी खरीदी जाए, आज से हेमंत की नई गाड़ी। हेमंत क्या नाम रखोगे अपनी गाड़ी का? इसी पे बैठा के तेरा घर लेके जाता हूँ। ये पहाड़ ना उधर दिखा, दिखा दिए तो ना, इतना बड़ा सा है वो, बाप रे सच में बहुत लंबे है ना, हाइट में मेरे बराबर होंगे, तुमसे भी बड़े होंगे वो सच में यार, लंबे चौड़े एकदम, मैं सही बोल रही हूँ, अगर तुम इसमें अगर गुड़गांव होगे ना अलग दिखाई दोगे, अलग सबसे। ये देखो पास आ रहे हैं, आजा हेमंत की गाड़ी, इनकी हाइट देखो यार सच में, इनकी नेक देख कितनी लंबी है, वो छोड़ो ना वो तुमको पहचान गए हैं, तुम उसके मालिक हो ना अगले, सच में यार बहुत लंबे हैं यार ये, तो आया तुम्हारा इतने मोटे पीछे, इनके पास खड़े हो जा देख, ये तो चोंच में खा जाएंगे, अरे मार मार के, इनकी 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 मुंडी इतनी सी, इनके पैर शरीर इतना बड़ा, अजीब से नहीं है मुंह, तो बिल्कुल ही बच्चों जैसा ही है, सुंदर सा है ना मुंह, देखो छुटका सा, ये देखो बतख जैसा, तेरे को याद कर रहे हैं मोटे। गाइस अभी हम जा रहे हैं रेप्टाइल हाउस के अंदर, आपको अलग अलग तरीके के सांप दिखाएंगे, सांप और सबसे बड़ी बात वहाँ एसी है, आज हम एनाकोंडा देखने जाएंगे, मोटे को एसी चाहिए तो एसी मिल गया, आराम से आराम से आराम से। गाइस हमारा कट गया, हम सोच कर आए थे आपको रेप्टाइल्स दिखाएंगे, यहाँ सब नकली है, सब कुछ नकली, कुछ भी नकली है, सब लोग कह रहे हैं अरे सांप का है, सांप का ये है, पर सांप नहीं है, सांप अंदर शायद है, डायनासोर भी है बट नकली, कुछ भी असली नहीं है। चलो गाइस एक सांप तो दिखा हमें असली, वो भी सोता होगा, वो भी सो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है, यहाँ के 90% जानवर ऐसा लग रहा है कि स्वप्न है, सब सो रहे हैं, देखो एक कोने उनका सोने का टाइम है, हम देखना एक ही बराबर, हम बेशर्मों की तरह घूम रहे हैं यहाँ पे, उनके तो सोने का टाइम है भी है, हम बस एक ही जगह, हम बस उनको परेशान करने के लिए आ रहे हैं, सच में आपने दिन में 3 बजे जैसे और दिन हम घर में सो जाते हैं वैसे उनका भी एक ही है, तो सब नकली रख रखा है, तो लड़के बोले हमारा बड़ा वाला काटा है यहाँ, तो कुछ भी नहीं लड़के बोलते जा रहे थे, और ये मिला हमको एक और रियल सांप, एक ही सांप है उसी को सब जगह रखा है, हल्का हल्का हिल रहा है यार,
सांस ले रहा हूँ ध्यान से देख। एक सांप के बच्चे हुए होंगे उन्हीं को अलग अलग काउंटर में डाल देना, वो भी सर्प ग्रह बन गया। गाइस सोच के तो मैं बहुत कुछ आया था बट मजा नहीं आया। मजा तो दार्जिलिंग का जू जिसने देखा है ना, दार्जिलिंग का जू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मतलब वहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए। सर्प ग्रह मतलब उन्होंने बनाया रेप्टाइल्स का, एक ही सब जगह बैठा जो एक अलग से था, एक दूसरा था ना, दो थे वहाँ पे, एक पाइथन था और एक और था जो कि रियल थे, बाकी हाँ, सब नकली, बाकी सब नकली बचा दिए, सब नकली, सब सो रहे हैं वो भी आराम से। गाइस सामने ना फॉरनर्स जा रहे हैं, देखो अगर आपको दिख रहा हो तो हेमंत को ना ये हो गया कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तो कह रहा मानसी मेरा ब्लॉग बना कि मैं कैसा लग रहा हूँ, पीछे मुड़ लोगों को दिखाओ मेरा पति कैसा लग रहा है, ये मेरा पति कैसे फॉरनर से कम है क्या, दूसरों को देख के वो नहीं होते, जलते नहीं है, जलनखोर आदमी, हाँ पर उनकी पर्सनैलिटी अलग है। देखो गाइस पर मेरा पति भी किसी से कम नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, अलग गाइस है हमारी नहीं है। हेमंत की पर्सनालिटी देखो, ये सस्ता सलमान खान लो आइए आप। अभी हमें नेशनल जूलॉजी पार्क की कैंटीन में कुछ खाने, अच्छा सीधे सीधे बताती हूँ, जहाँ हम आए थे वहीं की सरकारी कैंटीन में है और वहाँ छोले भटूरे अच्छे दिख रहे थे। यहाँ गर्मी होगी मोटे अंदर, वहाँ पर अंधेरा आएगा लेकिन हाँ, तो हमने दो प्लेट छोले भटूरे ले लिए एंड साथ में ये कोक की बॉटल ले ली है। यहाँ चलो वहाँ देखो अंदर। गाइस हम निकल चुके हैं नेशनल जूलॉजी पार्क से, मजा आया, मतलब ठीक था। हम लोग पता क्या कर रहे हैं, गर्मी बहुत थी, आए कार में गए, दोबारा फिर वहाँ से जू आए ऑटो में और अब जा रहे हैं बस में अपनी गाड़ी लेने के लिए। ये कह रही है कि एक बार बस में चलते हैं, मतलब मैंने देखा जब बस की सवारी करा तो बस में अच्छा होता है, पता है मजा आता है बस में। मेरी जब से बस में पहली जॉब लगी थी 2016 में, तब से मैं आज तक बस में नहीं बैठा, ये अपनी कार प्रेफर करता है, बस प्रेफर करती है, तो आज हम बस में जा रहे हैं। आज तो बस की सवारी होती है, बस कैसी होती है, इतनी तेज एसी चल रहा है ना, कार से भी अच्छा एसी चल रहा है, बस में इतना कंफर्टेबल है, हेमंत कहता है कि बस में दिक्कत होती है, इतनी तेज है बहुत कम्फर्टेबल है, बस बड़ी सही है यार, मतलब काफी इंप्रूवमेंट आ गए हैं बस में, तो मैं मतलब इतने सालों बाद बैठा हूँ, मजा आया। और मतलब यार हम सुबह 100 रुपए में आए ऑटो करके, ये 10 रुपए में जा रहे हैं, देखो बड़ा सही है भाई। भाई अब मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ये सोची समझी साजिश थी, यहाँ मेरे को लेकर आना सीपी में जानबूझ के, ये गाड़ी वहाँ मेरी पार्क नहीं कराई गई और मेरे को सीधा बोला कि सीपी चलते हैं, सीपी गाड़ी पार्क करेंगे, यहाँ पार्किंग फुल है। अब समझ में आ रहा है भाई, मजा आ गया यार, सच में मजा आ गया। खादी के जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी है ना वहीं पर भैया ये लगा लो, विद इन 500 मीटर इसने हमें छोड़ा है, मतलब ये वॉकिंग डिस्टेंस पास है, बगल में ही है, गाड़ी रोकना तो जहाँ पर हमारी गाड़ी है उसी के बगल में अंकल ने छोड़ भी दिया, मतलब 10 रुपए में हम सही आ गए और इतना चिल्ड एसी खाकर आए, मजा आ गया। इतनी सही हो गई है ना दिल्ली की बसें, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, बहुत सही और इतना अच्छा अरेंजमेंट, सारा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, एसी हर चीज है वहाँ पर, गार्ड वगैरह, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 5 मिनट भी नहीं लगे हमें जू से सीपी पहुँचने में, और हमें इतना परेशान है, इतने पैसे लेते हैं, इतने पैसे में कचरा तो बस से ले आती हूँ, और नहीं तो क्या, मजा आया ना, क्या मिलता, जानवर मिलते, यहाँ आई ये मेरे को सीपी लेकर आई और मेरे को समझ में आ रहा है कि सीपी क्यों लाया जा रहा है। अब मेरा पति रो रहा होगा, हाँ मैंने सोचा जू में सस्ते में निमट जाऊंगा और महंगा पड़ गया, चलो यार कोई बात नहीं, चलता है ये भी। गाइस मैडम को वी नेक टी शर्ट चाहिए थी, बट सारी राउंड नेक मिल रही है, वी नेक इसको इसके साइज का मिल ही नहीं रहा, साइज ना ये छोटा है ना बड़ा है, अब ये इस रेंज में आ चुकी है कि या तो टेलर से सिलवाओ, मैं पजामा देख रही थी तो बड़ा साइज, ये शेड भी देखते चल। हाँ गाइस गर्मी से ऐसी हाल हो गए हैं कि मतलब पूरी तो मेरे तरफ कैमरा कर रहा था क्योंकि अभी से सुबह से हम नहीं भी कम से कम 5 से 6 बोतल पानी पी चुके हैं, 2 से 3 बोतल कोक माउंटेन ड्यू, और पता है मैंने ना अभी कपड़े वपड़े चेक किए यहाँ पर, हिमन ने कहा कि पिछली बार तो याद होगा 3 पजामे लगी, 3 मेरे को छोटे हो गए थे, तो पहले छोटे नहीं टाइट हो गए थे, मोटापा इतना हो गया है, ट्राई किया फिर हिमन को समझ में नहीं आया कि हिमन था, हिमन ने कहा काम हो तो गाड़ी में ट्राई करके मेरे को दिया, फिर गाड़ी में ट्राई करके दिखाया कि भाई सब कुछ सही रहना चाहिए, घर आकर डांट नहीं पड़नी चाहिए, और अब हम लोग नींबू पानी पीना है, शिकंजी, हाँ शिकंजी बहुत ज्यादा प्यास ही नहीं बुझ रही यार, प्यास ही नहीं बुझ रही मेरी तो, परेशान हो गया हूँ मैं तो, अंदर से आ रहा है कितने ड्रम को पानी पिला दो, पेट में पूरा पानी पानी और हिल रहा हूँ तो, इधर उधर हो रहा है पानी, फील हो रहा है मेरे को, तो निकलना भी घर को बस इसे खा के निकलते हैं,
गाइस अभी घर को जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 6:30 और इतना ज्यादा थक चुकी हूँ ना बता नहीं सकती, पैरों में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। एक बजे से चल रहे हैं हम लोग नॉन स्टॉप और अभी 6:30 बज गए हैं, 7 बजे तक शायद हम लोग घर पहुँच जाएंगे। इतनी भी हिम्मत नहीं करा कि आज खाना बना रहा, सच बताऊं इतनी धूप में खुले में चलना ना मतलब आफत का काम है, आफत का। सर्दियों में ठीक रहता है यार ये खुले में घूमना, नहीं तो गर्मियों में तो मौसम नहीं सही रहता है। मेरे से ज्यादा तो हेमंत की हालत खराब हुई थी, बस रोने को बस रोने की दे रही थी, बाकी टाइम तो गला ही से इतना सूख गया यार, मतलब मेरी भी नहीं बुझी आज। मैं कह रही थी हेमंत तुम ही ऐसे इंसान हो जिसको इतनी ज्यादा गर्मी लगी और किसी को लग रही थी वहाँ पे इतनी गर्मी। टोपी भी पहन रखी है, छतरी भी ले रखी है, लोग भी हमें देख रहे हैं यहाँ रखे हैं। तो बस गाइस सब जा रहे हैं घर को और अब बस सोएंगे घर आके, बेड मिल जाए और सो जाऊं बस। तो यहीं पर करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलेंगे आप लोग को अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय गाइस। प्लीज लाइक करो यार, शेयर करो हमारे, आप शेयर नहीं करते हो हमारे वीडियोस को। चलो बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।